थानाकटघर अंतर्गत रामपुर दोराहा क्षेत्र स्थित बरबारा मजरा सिद्दीकी कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद इदरीस पुत्र अब्दुल हकीम ने एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके परिजन उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। परिजनों के इस रवैये से पीड़ित मोहम्मद इदरीस को अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है। इन सब बातों को लेकर वह एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पूछने पर मोहम्मद इदरीस ने बताया कि इसने बदमाश थे और बदमाश मेरे पीछे लगा दिए हैं। उन्होंने मुझे तमंचा वमंचा भी दिखाया और वो कह रहे हैं कि मेरा घर का ताला तोड़कर घर में घुस जाए, मकान छीन लें मुझसे। मेरी गुजारिश ये है कि मेरा जब तक मुकदमा चल रहा है मुझ पर कोई भी वारदात ना हो, ना मेरे घर का ताला तोड़ा जाए। अभी आप एसएसपी के पास आए हैं क्या? मैं अपना एसएसपी साहब को अपना पत्र देने आया हूँ, रिपोर्ट वो जो होता है, और मुख्यमंत्री जी को टोटल पे भी डाला है मैंने। तो मेरी इनसे एसएसपी साहब से गुजारिश ये है कि मेरी जो है तहरीर ली जाए और मुकदमा लिखा जाए उन पर 420 का, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे एग्रीमेंट कर दिया और बाद में किसी के नाम कर दिया, अब दूसरे के नाम करना चाह रहे हैं बदमाश के, वो क्योंकि मेरी जान को भी खतरा है और मेरे घर को भी खतरा है। ठीक है।